सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को विधायक दल का नेता चुना है, कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री जी को पदासीन किया गया, ये हाईकमान ने निर्णय लिया है। अभी हम कुछ मंत्रियों का ही शपथ कर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के नए सीएम के नाम का ऐलान, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर लगी मोहर। ऑब्जर्वर ने इस बात की जानकारी दी, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान। मीटिंग खत्म हो गई सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो प्रस्ताव हुआ था हाईकमान पिछोता, आज भी जो है सुक्खू जी को मुख्यमंत्री और अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री का फैसला किया, और कैबिनेट की एक्सपेंशन बाद में होगी। क्या लगता है सर, हाईकमान से डिसीजन आया कैसा, अब राज कैसा चलेगा? बढ़िया राज चलेगा, मिलकर चलेगा सब। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लग चुकी है। जराय के हवाले से भी हमने आपको बताया था, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है। ऑब्जर्वर की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया, और एमएलए ग्रुप की मीटिंग भी खत्म हो चुकी है। तो प्रतिभा सिंह के हामी अगर बताया जाए, मुकेश अग्निहोत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज थी। मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल में डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे, तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम। प्रतिभा सिंह के हामियों में लगातार नाराजगी, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सभी लोग सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी एमएलए का साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ था, तमाम तर एमएलओ के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन था वो काफी अच्छा माना जा रहा था। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने का फैसला किया है। तो 7:30 बजे गवर्नर से मुलाकात करेंगे, और कल ही हलफबरदारी तकरीब होगी, यानी हिमाचल के नए सीएम के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। वो अब मीडिया से खिताब भी करेंगे।